हेलो एवरीवन, मेरा नाम हर्ष है और आप सभी का स्वागत है इस एंड्रॉयड डेवलपमेंट ट्यूटोरियल सीरीज में, जिसमें हम एक वीडियो प्लेयर एप्लीकेशन बना रहे हैं। सो इन दिस वीडियो हम स्टोरेज से फोल्डर्स को कैसे एक्सेस कर सकते हैं या उन्हें कैसे लोड कर सकते हैं वो सीखने वाले। सो लेट जस्ट स्टार्ट। सो सबसे पहले मैं फोल्डर्स को स्टोर करने के लिए हमारे वीडियो के अंदर एक और डेटा क्लास बनाने वाला हूँ, जिसका नाम मैं फोल्डर्स रखूँगा, जिसमें मैं फोल्डर्स का डेटा स्टोर कर सकूँ सिंपली। सो फोल्डर, एंड इसके अंदर दो चीज़ें होगी। पहला होगा एक आईडी, एंड उसके बाद सेकंड थिंग होगी उसका नेम। सो फोल्डर नेम, एंड वो भी एक स्ट्रिंग टाइप का होगा। एंड हमारी डेटा क्लास बन चुकी है। अब मैं इसकी एक एरे लिस्ट बनाऊंगा हमारे मेन एक्टिविटी में, जिसके अंदर मैं इन फोल्डर्स को स्टोर करूंगा। सो लेट इन इट वेयर, एंड मैं कंपेनियन ऑब्जेक्ट्स बना रहा हूँ, विच मीन्स स्टैटिक ऑब्जेक्ट्स। एंड उसके बाद यहाँ पे फोल्डर लिस्ट, एंड वो होगी एक एरे लिस्ट ऑफ फोल्डर्स, जैसे यहाँ पे वीडियोस की है, एंड फोल्डर। ऑल राइट, अब हमारे गेट ऑल वीडियोस मेथड में आ जाते हैं, या फंक्शन में जो हमने क्रिएट किया था गेट ऑल वीडियोस, जो हमें सारे वीडियोस लोड करके उसकी एरे लिस्ट रिटर्न करके देता है। इसके अंदर हमें एक चीज़ और ऐड करनी है इस प्रोजेक्शन के अंदर। फर्स्ट इज मीडिया स्टोर डॉट वीडियो डॉट मीडिया डॉट बकेट आईडी। ओके, सो ये हमें फोल्डर की आईडी देगा, एंड ये बकेट डिस्प्ले नेम हमें फोल्डर का नेम देगा। एंड उसके बाद हमें यहाँ पे एक्सेस करना है। सो ये जो फोल्डर सी दिखाई दे रहा है, ये एक्चुअल में फोल्डर्स नेम है। एंड उसके बाद यहाँ पे वैल फोल्डर आईडी सी, जस्ट टू रिप्रेजेंट कर्सर। एंड मैं अपर कोड को कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, एंड जस्ट पेस्ट इट हियर। एंड यहाँ पे जो बकेट डिस्प्ले नेम है, इसकी जगह पे बकेट अंडरस्कोर आईडी। ओके, इससे हमें फोल्डर की आईडी मिल जाएगी। सो आई विल यूज़ अ सिंपल लॉजिक हियर। मैं यहाँ पे एक फोल्डर्स लिस्ट बनाऊंगा, जिसके अंदर मैं एक एक करके फोल्डर स्टोर करते जाऊंगा। एंड स्टोर करने से पहले मैं चेक करूंगा क्या वो फोल्डर पहले ऐड हो चुका है। अगर नहीं हुआ है तो ही वो ऐड होना चाहिए, हमें एक ही फोल्डर मल्टीपल टाइम्स नहीं चाहिए। सो यहाँ पे मैं एक टेम्पररी लिस्ट बनाने वाला हूँ स्ट्रिंग्स की। वैल टेम्प फोल्डर लिस्ट इज इक्वल टू एरे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स, एरे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, एंड इसको यहीं पे इनिशियलाइज कर लो। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे एक मैं एक इफ कंडीशन चेक करूँगा। सो मैं यहाँ पे कमेंट लिख लेता हूँ फॉर एडिंग फोल्डर्स, एंड हियर इफ टेम्प लिस्ट मीन्स टेम्प फोल्डर लिस्ट डॉट कंटेन्स एंड फोल्डर सी, विच मीन्स फोल्डर्स नेम। एंड यहाँ पे मैं नॉट का यूज करूँगा, विच मीन्स अगर टेम्प फोल्डर लिस्ट के अंदर फोल्डर नेम नहीं है तो ही वो ऐड होना चाहिए। सो यहाँ पे मैं कर्ली ब्रेसेस यूज कर लेता हूँ। सो यहाँ पे टेम्प फोल्डर लिस्ट डॉट ऐड एंड सिंपली फोल्डर सी, विच मीन्स फोल्डर नेम। एंड यहाँ पे इसी के साथ साथ हमें जो हमारे एक्चुअल जो फोल्डर्स लिस्ट है उसके अंदर भी आइटम्स को ऐड करना है। सो सिंपली फोल्डर लिस्ट डॉट ऐड, एंड यहाँ पे एक्चुअल में हमें फोल्डर ऐड करना है। सो फोल्डर, एंड इसके अंदर हमें दो चीज़ें पास करनी पड़ेगी। सबसे पहला होगा आईडी। सो आईडी इज इक्वल टू फोल्डर आईडी सी कॉमा नेम, विच मीन्स फोल्डर नेम इज इक्वल टू फोल्डर सी। सो ये आईडी हमारे लिए ज़रूरी है, इसलिए मैं आईडी को ऐड कर रहा हूँ, ये फ्यूचर में हमारी हेल्प करेगा। एंड दैट्स इट, इससे हमारे सारे फोल्डर्स ऐड हो जाएंगे हमारी फोल्डर लिस्ट के अंदर। एंड हमें सिर्फ इस फोल्डर लिस्ट को एक्सेस करना है हमारे फोल्डर्स अडेप्टर में, या सबसे पहले फोल्डर्स फ्रेगमेंट में। सो मैं इस टेम्पररी लिस्ट को यहाँ से हटा देता हूँ, ओके, जो हम लोग ने टेम्पररी फोल्डर्स पास किए थे। एंड उसके बाद यहाँ पे मेन एक्टिविटी डॉट फोल्डर लिस्ट, जस्ट सिंपली पास दिस। एंड यहाँ पे फोल्डर्स अडाप्टर में यहाँ पे एक एरर आएगी, क्योंकि यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग पास कर रहे हैं। सो यहाँ पे सिंपली इसे फोल्डर में चेंज कर दो, एंड हमारी एरर हट जाएगी। एंड यहाँ पे डॉट फोल्डर नेम, बिकॉज वी वॉन्ट टू शो फोल्डर नेम ओनली, एंड दैट्स इट, दिस विल लोड आर फोल्डर्स। ओके, सो नाउ लेट्स रन आर एप्लीकेशन एंड जस्ट चेक। So before running our application, one more important thing we have to do, which means we have to initialize folder list
एंड मैं उसे वीडियो लिस्ट से पहले इनिशियलाइज करूँगा. हमें सिंपली इतना लिखना है, फोल्डर्स लिस्ट इज इक्वल टू एरे लिस्ट एंड दैट्स इट. नाउ वी कैन रन आर एप्लीकेशन एंड चेक. सो फाइनली ग्रेडल बिल्ड हो चुका है एंड एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुकी है. एंड लेट्स से मैं ऑल फोल्डर्स पे क्लिक करके देखता हूँ एंड दैट्स इट. हमारे फोल्डर्स शो कर रहे हैं जहाँ पे पहले फोल्डर 1, 2, 3 था. एंड अगर मैं किसी पे क्लिक करता हूँ देन नथिंग हैपन्स बिकॉज हमने अब तक कोई फंक्शनैलिटी नहीं दी है. बट इफ़ वी एक्सप्लोर आर फोल्डर्स दे आर लुकिंग प्रीटी मच फाइन. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय.